हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि चीनी इमली को लेकर आर्यन की तरफ पहुंचती है, लेकिन आर्यन के पास में मालिनी का कॉल आ जाता है और वो जल्दी से जल्दी आने के लिए कहती है, लेकिन आर्यन साफ इनकार कर देता है और कहता है कि जब तक मैं इसकी तह तक नहीं पहुंचूंगा, मैं और उस इंसान को सबक नहीं सिखाऊंगा, मैं नहीं लौट कर आने वाला। और मालिनी को डर है कि कहीं इमली से मुलाकात ना हो जाए और सच सामने ना जाए। तो दूसरी तरफ वो फोन पर दिलीजी देखकर इमली चीनी को लेकर चली जाती है और देखने को मिलता है कि इमली यहाँ पर चीनी को लेकर मंदिर पहुँचती है, जहाँ पर गांव वाले उसे पहले फिर से इमली को पहले जैसी चीज़ें याद आती है। तो दूसरी तरफ आर्यन को इमली का आसपास एहसास होता है और उसे भी इमली की याद आती है और वो उस पायल को देखकर, अभी भी पायल उसने छुपा रखी है, और वो उसी तरह से देखने को मिलता है कि इमली और आर्यन दोनों का एक दूसरे का एहसास ज़रूर होता है, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाती। और आर्यन उस फाइल को अभी तक भी छुपा कर रखा है और वो सब यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। तो दूसरी तरफ इमली को गांव वाले जिस तरह से 5 साल पहले चीनी को मंदिर में जाने से रोका था, उसी तरह से अब भी मंदिर में आने से रोकते हैं और चीनी यहाँ पर सबसे भिड़ते नजर आती हैं। और साथ में ही यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च करके गांव वाले साहब ने इंटरनेट पर पूछती है कि क्या हमारा मंदिर में जाना वर्जित है। इसके बाद में वो ये कह देती है, क्योंकि भाई वो तो टेक्निकल असिस्टेंट है, और कह देती है हमें यहाँ पर सवाल समझ नहीं आया। और इसी बात को लेकर चीनी यहाँ पर इमली को इंसाफ दिलाते नजर आती है कि जब तुम लोगों को समझ नहीं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो तुम लोगों को तो क्या ही समझ में आएगी, और उनकी बेइज्जती करते नजर आती है। देखने को मिलता है कि चीनी यहाँ पर इमली को संभालते नजर आती है। तो दूसरी तरफ अब देखने को मिलेगा मालिनी को बहुत बुरा तरह से डर लगता है और वो आर्यन को बार बार आने के लिए कहती है, लेकिन आर्यन नहीं आता। वो सीधा पगडंडे झालावर पहुंचता है, लेकिन वो उसका जो ऑनर होता है वो साफ इनकार कर देता है इमली के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने से। और वहीं पर आर्यन खुद उसे ढूंढ निकालता है और देखने को मिलता है इमली और आर्यन की मुलाकात, जहाँ पर अब आर्यन साफ साफ उसे माफ़ी मांगने के लिए कहेगा, लेकिन इमली साफ इनकार कर देगी क्योंकि वो न्यूज़ सच्ची है और गलत न्यूज़ आर्यन के न्यूज़पेपर ने छापी है। जिसके बाद आर्यन जिद कर लेता है कि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तब तक मैं भी तुम्हारे इस पेपर को नहीं चलने दूंगा। और दूसरी तरफ इमली माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होगी। अब दोनों ही एक ही जंग में अब असलियत सामने आएगी मालिनी की, जो कोई और नहीं गिरी से ही इमली सच उगलवाती नजर आने वाली है और सच्चाई का पर्दाफाश करेगी।